हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बीएससी फाइनल ईयर की बुक लीनियर अलजेब्रा और उसका चैप्टर नंबर 2 बेसिस एंड डोमेशन लीनियर कॉम्बिनेशन की एग्जांपल नंबर 11 को आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, पीछे के जितने भी एग्जांपल हैं मैंने अपलोड कर दी गई हैं, ठीक है? तो आप इजी से जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 11 को सोल्व आउट करेंगे। ये थोड़ी सी अलग टाइप की एग्जाम्पल है, तो आपको ये समझनी पड़ेगी। क्राइमिंग नहीं कर सकते इसमें आप, ठीक है? अब देखो, ये जो आपके पास एस दे रखा है, ये क्या चीज है? ओके, इसको आपने समझना। ये छोट डैट क्या करवाना आपने, डबल यू। अब देखो, जहाँ पे अल्फा बीटा और जीरो, देखो जब मल्टीप्लिकेशन का केस आता है ना, देखो अल्फा के बाद कोमा लगा होता है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, तो जब मल्टीप्लिकेशन का केस आता है तो आपने जीरो लेके काम करना है। ओके, जब अल्फा प्लस बीटा होता है तो वन लेके काम करना है। इस तो जीरो की जगह पे कई बार डब्ल्यू भी हो सकता है। ओके, फिर आगे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर इज द सब स्पेस ऑफ आर क्यूब, आर इज जनरेटेड बाय एस। ओके, अब देखो इसको करना क्या है। आपके पास स्केलर तो दे रखे हैं, अल्फा बीटा स्केलर होते हैं, बट आपको दो बार स्केलर अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन स्केलर के साथ आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ आउट करना पड़ेगा। ओके, वेक्टर स्पेस लेके प्रूफ आउट करना पड़ेगा। फिर आपको एक ओरिजिनली मतलब नेचुरल तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपको स्केलर लेने पड़ेंगे दो। ओके, तो हम करेंगे, ज्यादा बात नहीं करते हुए आप देखते जाना है कि कैसे करना है, ये एक फील के साथ करना है। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है ना, सिर्फ आपके पास मान लो कि ये वेक्टरी दे रखे हैं, ठीक है? वेक्टर मतलब मैट्रिक्स दे रखी है, तो कैसे करना है, तब आपने सबसेट भी लेके चलना है। तो ये रहा आपके पास प्यारा सा क्वेश्चन, आपने पढ़ लेना है। देखो करना कैसे, स्टार्टिंग कैसे करनी है इसकी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसेट से प्रूव करना है, एस सबसेट डब्ल्यू। ओके, बोले तो उल्टा एम लेट। अब देखो मल्टीप्लिकेशन इसको कैसे लिख सकते हो, कम से कम हमने दो स्केलर चाहिए। ओके, किसी भी चीज को प्रूफ आउट करने के लिए, लीनियर कॉम्बिनेशन को। ओके, तो एक को मैं एक्स एक्स मान लेता हूँ इस वाली को, बट कैसे, कंडीशन क्या है, अल्फा वन और बी वन और जीरो। ओके, जे कोमा है बीच में। ओके, जे बी वन है। ओके, अब देखो एक और कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, तो वाई लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे अल्फा टू कोमा बीटा टू और कोमा जीरो, इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ओके, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यू को बिलोंग कर रहे हैं, एंड ए बी बी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी क्या है हमारे पास, ये दोनों के दोनों रियल नंबर है आपके। ओके, अब देखो वेक्टर स्पेस, मान लो जब सॉरी हाँ वेक्टर स्पेस है ना, नहीं दे रखा है तो आपको क्या चीजें गिवन करनी है, ए एक्स और बी वाई गिवन करना पड़ता है। ओके, तो अब देखो वेक्टर स्पेस हम ले लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई मैंने ले लिया, ए की जगह पे ये वैल्यू रख दिया और एक्स की जगह पे ये वाला वैल्यू रख दिया, बी वन और जीरो वन आ गया, बीच में कॉमे लगा लेना। ओके, बीच में प्लस है बी, तो अल्फा वाई का वैल्यू कितना, अल्फा टू और बीटा टू और कोमा जीरो, कोमे लगा लेना बीच में ये वाले। ओके, खुद से अब आपने क्या करना है, इनको सेटिस्फाई करवाना है अंदर मल्टीप्लाई करके, ठीक है? ए अल्फा वन कोमा ए बीटा वन और ये तो जीरो हो जाएगा। ओके, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी अल्फा टू और बी बीटा टू और ये आपके पास बन जाएगा जीरो। तो आपने एक काम करना है, अल्फा वाले अलग कर देना है। देखो स्केलर क्या होते हैं, अल्फा वाले अलग होते हैं। देखो स्केलर क्या होते हैं, अल्फा वन बी वन, देखो ऐसे होते हैं ना, अल्फा टू बी टू, तो ऐसा आपने काम करना है, मतलब वन वाले अलग और टू वाले अलग करने हैं। तो ध्यान से देखो कैसे करना है, ए अल्फा वन आ गया, ओके बीच में मैंने प्लस लिख लिया, बी अल्फा टू आ गया, अब देखो यहाँ पे तो जीरो, तो ये तो चले गई, नहीं इसको अलग लिख लो कोमा, आगे देखो ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू, आगे देखो तीसरा जीरो, तो इसको कोमा में जीरो लिख लो, ये आ गया ना आपके पास। देखो ना ये कंडीशन, देखो ये आपके पास एक कंडीशन बन गई, ये दूसरी कंडीशन बन गई, ठीक है? अब देखो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन केस में है ना, ठीक है? तो मान लो ये अल्फा वाला, ये बीटा वाला, मान लो ये अल्फा वाले अलग हो गए, बीटा वाले अलग हो गए, ठीक है? तो हमने इस केस को किस मुताबिक लिखना है, डब्ल्यू के मुताबिक लिखना है। तो मतलब ये पूरी की पूरी कंडीशन किसको सेटिस्फाई कर रही है, बिलोंग्स टू डब्ल्यू को बिलोंग कर रही है, ऐसे लिख देना आपने। ओके, अब आगे देखो क्या करना है, और ये जो आपका बना हुआ ना, ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू और अल्फा सॉरी ये वाला ए बीटा वन और बी बीटा टू, ये आपका बिलोंग्स टू आर भी होता है, रियल नंबर भी होते हैं, ठीक है? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू आर। ओके, अब पूरी को,
ठीक है, पूरे को लिख सकते हैं। आगे देखो ना कैसे करना है इसको। अब आपको सबसेट से प्रूफ क्या करना है, सबसेट से प्रूफ एक डब्ल्यू प्रूफ आउट करना पड़ता है। कैसे करना है आपने, देखो ये जो दिया हुआ ना इसको गिवन में लिख लो एस सबसेट डब्ल्यू। ओके, अब इनके साथ कुछ केरलर ले लो आप, ठीक है, एल एस ले लिया मैंने और दूसरे साथ एल डब्ल्यू, मतलब एल मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो जब सबसेट और सबसेट आपस में मिलते हैं तो इक्वल टू बनता है। ओके, हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, डब्ल्यू चला हुआ है तो डब्ल्यू लिख लो। कॉमन फैक्टर बोलने का मतलब है कि हमारा डब्ल्यू से हम सभी चीज को सोल्व आउट कर रहे हैं, तो इधर डब्ल्यू लिख सकते हैं, आप इसको चीज को छोड़ भी सकते हो। ओके, आगे देखो कैसे करना है। अब ये जो आपका एक्स है ना, ये वाला माना हुआ ना, इसी को उठाओ, वाई को भी उठा सकते हो, उसमें जरूरी नहीं है। ओके, तो अल्फा वन और कितना आ जाएगा बी वन, और ये जीरो, ये बी वन है। ओके, तो बी वन बोलने का मतलब है कि ये बीटा है और डबल बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब आपने एक काम करना है, हमें अलग से नेचुरल तरीके से स्केलर लेने पड़ेंगे। ओके, कौन से लेने पड़ेंगे स्केलर, अब वो स्केलर आपके अल्फा वन और अल्फा टू नहीं हो सकते, तो सर कौन से हो सकते हैं, एल और एम लेने हैं। ओके, तो लेट हम स्केलर ले लेते हैं एक्स इजिकल टू एल। अब देखो एल मैंने ले लिया एक स्केलर, अब इसके लिए मैट्रिक्स भी तो चाहिए होती है, मैट्रिक्स आपके पास ये दे रखी है ना, ठीक है, इसको कर दिया वन कोमा वन कोमा जीरो प्लस, अब एम देखो ना इसके लिए जीरो टू और टू ऐसे दे रखा है। अब आपने एक काम करना, जे के हमारे फॉर स्केलर, ठीक है, एल और एम स्केलर होते हैं। आगे देखो कैसे करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ओके, चलो आपका इतना तो लास्ट में आ चुका था। अब देखो आपके पास x का वैल्यू कितना है, ये है ना x का वैल्यू, तो आपने ये वाला वैल्यू इधर अप्लाई कर देना, अल्फा वन बी वन और जीरो आ जाएगा। ओके, अब इसको अंदर कंपैरिजन कर दो ना, l आ जाएगा कोमा l आ जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा। ओके, इसको भी कंपैरिजन कर दो ना, ये जीरो आ जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा, ये टू एम आ जाएगा और ये जीरो आ जाएगा, कोमे लगा लियो बीच में। ओके, आगे देखो क्या करना है, ये अल्फा वन बी वन और जीरो, बी वन है ये। ओके, इतना ध्यान रखना, ये भी अल्फा वन और ये सॉरी एल वन है। ओके, तो कंपैरिजन कर दो ना, इस एल को इस जीरो के साथ लिख दो तो प्लस जीरो आ गया, कोमा ये एल वन प्लस टू एम आ गया। ओके, और ये जीरो का जीरो आ गया। आगे देखो ना कैसे करना है, ये तो अल्फा वन और बी वन और ये जीरो चला हुआ, देखो ये अल्फा वन का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, एल आ गया, बीटा वन का वैल्यू आ गया हमारे पास ये, तो बीटा वन का वैल्यू आ गया एल वन प्लस 2m, तो देखो जीरो को जीरो के साथ क्यों लिखना है। ओके, इतना तो आप समझ सकते हो ना। अब देखो ध्यान से, अल्फा वन का वैल्यू आया हुआ हमारे पास l, या तो l का वैल्यू आया अल्फा वन, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये वाला अल्फा वन का वैल्यू उठा के इधर अप्लाई कर देना है, ठीक है, क्या करना है इधर आपने अप्लाई करना है, कैसे करना, इधर अल्फा वन आएगा ना, इधर सॉरी इधर मैंने वन लिख लिया, कोमे है ये, ठीक है, एल एल आएगा इधर, ठीक है, एल है ये। ओके, गलती से सॉरी, तो जहाँ पे L1 नहीं होगा, सिर्फ ओनली फॉर ओनली L होएगा। अब देखो ध्यान से, तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ये तो बीटा वन ही रहेगा। ओके, L की जगह पे मैं क्या पुट करता हूँ, अल्फा वन अप्लाई कर देता हूँ, तो अल्फा वन प्लस टू एम। ओके, यहाँ से M निकाल दो, तो M निकालोगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगा बीटा वन माइनस अल्फा, जो भी इसके मल्टीपल में होता है वो जाता है डिवाइड में जाता है, ठीक है, क्लियर आउट हो गया। ये आपका एम का वैल्यू आ गया और ये आपका एल का वैल्यू आ गया, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक ही काम करना है। हाँ जी, आगे देखते हैं इसको, आगे करते हैं, एक फार्मूला लिख लेते हैं, कहीं ना कहीं ये पुट करना पड़ेगा आपको। अब देखो बुक वालों ने किया हुआ है बिल्कुल शॉर्ट, तो आपने कैसा करना है, इधर ध्यान देना थोड़ा सा, एक्स इजिकल टू आपके पास अल्फा वन, ठीक है, का वैल्यू क्या है एल, तो ये L किसके बराबर है, अल्फा वन के बराबर, तो इधर अल्फा वन लिख दो ना, ठीक है, L की जगह पे अल्फा वन, बाकी का पूरा सेम लिख दो, वन कोमा वन और जीरो आ जाएगा। ओके, M का वैल्यू देखो ना क्या है, J है, तो इधर अप्लाई कर दो ना जल्दी से, तो J बी वन माइनस अल्फा वन अपॉन टू और जीरो कोमा टू कोमा जीरो, ठीक है, इतना आप कर सकते हो। तो J जो आपके पास है मैट्रिसेस और ये है आपके पास स्केलर। ओके, स्केलर की वैल्यू जे आई हुई है। ओके, तो यही था आपका क्वेश्चन, आगे आपने लिख देना है लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, एक्स इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओके, ये बन गया आपका कॉम्बिनेशन, तो आगे देखो कैसे करना है, एक कंडीशन हमने लिखी थी एक्स बिलोंग्स टू एल एस। ओके, और डब्ल्यू सबसेट एल एस, जब ये आपस में दोनों इक्वल मिलते हैं ना,
ये इक्वल टू हो जाते हैं, देखो एल एस और ये डब्ल्यू के बराबर आपको करना पड़ता है। आपका आंसर तो यही है वैसे, ये भी लिख सकते हो आप। ओके तो आगे आप ऐसा कर सकते हो, डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ आर क्यूब, आर इज ए जनरेटेड। ओके ये हमने पीछे भी यूज किया है तो वहां से वैल्यू उठा सकते हो आप, सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसको। ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।